press the bell icon on the YouTube app and never. इजराइल के विरोध में छाती पीटने वाले भारत में पीट रहे हैं ना, पीट रहे हैं क्योंकि दर्द मुसलमानों को मस्जिद अल अक्सा के लिए भारत में बैठ करके भी हो रहा है। तो जो हिंदुओं के, उनके पूर्वजों के, उनके एंसेस्टर की जमीन है, उसके लिए भारत में रहने वाले हिंदुओं के कलेजे में दर्द क्यों नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल। तो योगी जी जो नजुल भूमि के बिल को जो उन्होंने प्लेस किया था, उस नजुल भूमि के बिल से योगी जी सिर्फ भारत के हिंदुओं के लिए बहुत महान नहीं हो जाते, बल्कि 3 मिलियन से ज्यादा हिंदू जो अरब में बैठे हुए उनके लिए भी महान हो जाते, इस पूरी दुनिया में जितने हिंदू बैठे हैं उनके लिए भी महान हो जाते। इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं बीजेपी जो नहीं चाहते हैं कि सामने वाला कुछ बहुत बड़ा करके, इस देश के हित में कुछ करके वो दुनिया की नजरों में आ जाए, तो इसलिए टांग खींचने के लिए खड़े होते हैं। पर नजूल वाला जो मामला है वो भी लगभग आपको लगता है कि ये वक्फ बोर्ड जैसा ही मामला है, जमीनों पर बस कब्जा किया गया अपने। जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो शिक्षित और बहादुर महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, और आज वो पूरी तरह से पोल खोलेंगी वक्फ बोर्ड की। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके चैनल पे डाल चुके हैं, तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। ये क्या किसी राजा महाराजाओं की संपत्ति आई है जो ब्रिटिश ने उस वक्त हड़प ले लिया था और पट्टा अपने कब्जे में रख लिया था, क्योंकि ब्रिटिश का बहुत अच्छा पट्टा था मुगलों से, क्योंकि ब्रिटिश का बहुत अच्छा पट्टा था अबू कलाम आजाद से, क्योंकि ब्रिटिश का बहुत अच्छा पट्टा था नेहरू से। तो जो भी पट्टा था या तो वो अबू कलाम आजाद के पास गया था या तो नेहरू के पास गया था, तो ये रहस्य जो है ये खुलना चाहिए। अब इसकी एक बहुत छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देती हूँ। मस्जिद अल अक्सा कहाँ? यहां से करोड़ों किलोमीटर दूर, ठीक है, लेकिन इजराइल के विरोध में छाती पीटने वाले भारत में पीट रहे हैं ना, पीट रहे हैं क्योंकि दर्द मुसलमानों को मस्जिद अल अक्सा के लिए भारत में बैठ करके भी हो रहा है। तो जो हिंदुओं के, उनके पूर्वजों के, उनके एंसेस्टर की जमीन है, उसके लिए भारत में रहने वाले हिंदुओं के कलेजे में दर्द क्यों नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल। योगी जी जो नजुल भूमि के बिल को जो उन्होंने प्लेस किया था, उस नजुल भूमि के बिल से योगी जी सिर्फ भारत के हिंदुओं के लिए बहुत महान नहीं हो जाते, बल्कि 3 मिलियन से ज्यादा हिंदू जो अरब में बैठे हुए उनके लिए भी महान हो जाते, इस पूरी दुनिया में जितने हिंदू बैठे हैं उनके लिए भी महान हो जाते। इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं बीजेपी जो नहीं चाहते हैं कि सामने वाला कुछ बहुत बड़ा करके, इस देश के हित में कुछ करके वो दुनिया की नजरों में आ जाए, तो इसलिए टांग खींचने के लिए खड़े होते हैं। पर नजूल वाला जो मामला है वो भी लगभग आपको लगता है कि ये वक्फ बोर्ड जैसा ही मामला है, जमीनों पर बस कब्जा किया गया अपने, जिन जिन लोगों ने कब्जा किया उन्होंने अपनी अपनी बस्तियां बसा दी, और एक तरह से यहाँ भी तो मुस्लिम तुष्टिकरण ही है। इसमें देखिए क्या डिफरेंसेस है, ये समझना बहुत जरूरी है, मुश्किल नहीं है, बहुत जरूरी है। वक्फ बोर्ड जमीन हड़प करता है, रेलवे की, आर्मी की, पश्चिम बंगाल में कई कैंटोनमेंट की प्रॉपर्टी है जो वक्फ ने हड़प कर लिया है और उसमें मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना करके उसको बेचा जाता है, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड हड़प करता है और नजूल भूमि की प्रॉपर्टी को हड़प किया गया है, पहले किया जा चुका है, ठीक है, वो विक्टिमाइज्ड है और वक्फ बोर्ड जो है वो हड़प करने वाला है। वक्फ बोर्ड डकैत है, इसने डकैती करके जमीन हड़पी है और नजूल भूमि बिल जो है वो नजूल भूमि की प्रॉपर्टी को लोगों ने हड़प किया है।
तब तो अभी तो ये बिल जो है वो सिलेक्ट कमेटी को दिया गया है, प्रवर कमेटी को दिया गया है, लेकिन ये बिल तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ सुसान, सरकारी हाँ जमीनों सुसान, पर इस तरह से कब्जे होंगे तो मतलब कैसे चलेगा देश। और ये जो खेल है, आपको नाजिर याद होगा कि न्याय पत्र जो कांग्रेस लेकर आई थी, क्या था उस न्याय पत्र में? एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए खाने की आजादी, पहनने की आजादी, रहने की आजादी, तो इसी आजादी की बात तो कर रहे थे वो, कि आप जहां मन करे वक्फ बोर्ड में वहीं रहे, जो प्रॉपर्टी आप चाहे वो आपको मिल जाए, इसी आजादी की बात कर रहे थे ना वो। नहीं, कांग्रेस ने किया भी तो है ना। आप हाँ 2014 के लोकसभा इलेक्शन को उठाइए ना, इलेक्शन से मात्र 4 दिन पहले 123 बड़ी प्रॉपर्टी इस देश की वक्फ बोर्ड को गिफ्ट में दे दिया था। मनमोहन सिंह गए थे, राहुल गांधी जी गए थे, सोनिया एंटोनियो जी गई थी, और उन्होंने जाकर के दिया, तोहफा दिया है, क्योंकि मुसलमानों का वोट उनको चाहिए। तो आप सोचिए कि कांग्रेस का चरित्र हमेशा से मुसलमानों को रोटी बोटी दे करके इस देश में आतंक का माहौल बनवा करके अपने चेयर को बचाने की राजनीति हमेशा रही है कांग्रेस की, हमेशा से। ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है। अदरवाइज अगर किसी को देश से मोहब्बत होगी तो वो तो देश की प्रॉपर्टी को, देश की संपत्ति को, देश की खूबसूरती के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, देश के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगा ना, ना कि वक्फ बोर्ड को दे देगा, हाँ नहीं देगा। अब आप सोचिए कि केरला में जिस तरह से मुसलमान, अभी केरला नमाज रो हुआ था एक निर्मला कॉलेज में, हाँ याद है लड़कियों आपको? अभी 2 दिन पहले की के बात, लड़कियों का एक पूरा गैंग बोला कि भाई वो कैथोलिक यूनिवर्सिटी है और उसमें कह रही है कि भाई हमको नमाज की जगह दीजिए। तो ये क्या है, ये क्या है, ये एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि केरला जो है वो आज से नहीं है, एक जमाने से वो ईरान के कई टेररिस्ट है उनके ऊपर चल रहा है। मुझे नाम भी याद है उसका, खालिद मशाल, याद है आपको? फलस्तीन और हम्मास की हिमायत अभी में केरला में एक बहुत बड़ा समारोह हुआ था, एक बहुत बड़ा सेमिनार अभी हुआ हुआ था, था दिसंबर में, अभी दिसंबर अभी में ही तो हुआ था। दिसंबर में खालिद मशाल ने उसमें स्पीचेस दिए थे। तो आपको हाँ क्या लग रहा है ऑनलाइन कि वो, ऑनलाइन जुड़ा था वो। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो लड़कियां हैं ये उठे पुटे गई और कैथोलिक स्कूल में इन्होंने बोल दिया कि हमको नमाज की जगह दीजिए? नहीं, ये मैसेज वहां से आ रहा है। हाँ, अरे वो मुस्कान की ही तो बहने हुई ना ये, फिर मुस्कान को ही मैसेज आया था तो उसने बुरके पे वो शोर मचाना शुरू कर दिया था, ये भी आप उसी तरह से सोचिए कर कि इस्माइल हानिये, इस्माइल रहा। हानिये की मौत हो गई, भाई इसराइल से लगोगे तो वो तो छोड़ेगा नहीं, वो तो भारत ना है जो छोड़ देता है। अभी मुझे एक चुटकुला भी याद आ रहा है, तो भारत छोड़ देता है, लेकिन देखिए इसराइल से वो भिड़ने की कोशिश नहीं क्या है, इस्माइल हानिया भारत भी नहीं छोड़ता है, घर में घुसकर मारता है, लेकिन ये जरूर है कि भारत तुरंत नहीं करता, तो सब्र के साथ करता है, करता है। नहीं, तो अब थोड़ा सा ना, थोड़ा सा इमीडिएट एक्शन की अब जरूरत आन पड़ी है। तो इस्माइल हानिया की मौत पर क्या भारत के लोगों ने आंसू नहीं बहाया है? बहाया बहुत है। पश्चिम बंगाल में मातम हुआ है भाई, पश्चिम बंगाल में मातम हुआ है, किसके लिए? इस्माइल हानिया की मौत पर, जो इतना बड़ा टेररिस्ट था। तो ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है, और ये वक्फ बोर्ड का, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, जमायत उल उलमाए हिंद का, देवबंद का, दारुल उलूम का, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के पैसे जो है ये जिहादी एक्टिविटीज में लगते हैं, ताकि इस देश में एक हलचल, एक देशद्रोह जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो पलता पुसाता रहे, और इस देश में एक भयभीत माहौल बना करके रखा जाए, और जिसको हमेशा से समर्थन कांग्रेस ने किया है। वो गजवाए हिंद की जो बात करते हैं ना देवबंद वाले, वो यही तो है, जमीनों पर कब्जा किए जाए, अपने लोगों को बसाया जाए, वो जो घुसपैठिए आ रहे हैं, जो रोहिंग्या आ रहे हैं, जो हर रोज पकड़े जा रहे हैं फर्जी सर्टिफिकेट के साथ, जिनको रायबरेली में बैठाकर फर्जी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड दिया जा रहा है, वोटर आई कार्ड दिया जा रहा है। तो नाजिर जी, सब कुछ एक स्ट्रेटेजी के तहत ही हो रहा है, लेकिन अब जब ये बिल कल पेश किया जाएगा, लोकसभा में रखा जाएगा, उसके बाद तो एक बहुत बड़ा झटका लगेगा ही लगेगा। और जो 40 अमेंडमेंट है, अभी तो खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन कल पता चलेगा इनमें क्या क्या अमेंडमेंट है। तो सही है कि आने वाले दिनों में, अगले हफ्ते तक ये रोएंगे गाएंगे, लेकिन फिर ये मोदी सरकार है, जब एक बार फैसला ले लिया तो उससे पीछे कोई हटने वाला नहीं है। और नोजुल की बात जैसे हम करें, नजुल की हम बात कर रहे हैं, वो फिलहाल भले ही प्रखर कमेटी को दे दिया गया हो, लेकिन उस पर भी बहुत जल्द देखना योगी एक्शन करेंगे। आपने है अंजू जी, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी, मुझे जी कल जी देखना है राहुल गांधी जी के तेवर। मैं तो कल मतलब टीवी छोड़ने वाली नहीं हूँ, मुझे राहुल गांधी जी के तेवर को देखना है, क्योंकि
राहुल गांधी वो है जो जिन्ना की कोख से जन्मे हुए मुस्लिम लीग के साथ भी अलायंस कर लेते हैं। तो कल तो राहुल गांधी वो है जो पीएफआई के फेवर में बात करते हैं। राहुल गांधी वो है जो लोकसभा के अंदर अपनी चेयर को बना रखने के लिए वायनाड का इस्तेमाल तो करते हैं, पर वायनाड में 300 लोगों के मरने पर वो रात में 1:30 बजे ट्वीट करते हैं कि उनके घर ईडी आने वाली है। तो इसलिए कल मुझे उनको देखना है। बिल्कुल, आपको नहीं, हम सबको भी देखना है। और ओवैसी, मदनी, इन सबका क्या रिएक्शन, कल तो ये और रोएंगे, आज से रोना शुरू हो गए जब से इनको पता चला। नाज़िया जी, 5 अगस्त का दिन जब आता है तो इन सबको पहले से डर लगने लगता है, क्योंकि इनको लगता है उस दिन कुछ बड़ा होने वाला है। तो 5 अगस्त की डर सच साबित हो गया है। तो अब कल देखते आजकल अंजू जी इस अवेसी से ज्यादा इस्लामिक जो प्रीचर बने हुए हैं वो राहुल गांधी जी बने हुए हैं। आजकल अवेसी थोड़ा दब गया है, आजकल इस्लाम की प्रशंसा और इस्लामिक प्रीचर और क्लेरिक का जो पूरा ऑरा है वो राहुल गांधी जी में आ गया है आजकल। तो बिल्कुल, अब कल देखते हैं जब ये बिल पेश होगा तो क्या होगा। लेकिन आपने वक्फ बोर्ड को लेकर और उसकी प्रॉपर्टी को लेकर, नजूल को लेकर जो अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी है वो वाकई आंखें खोलने वाली है। हालांकि मैं और आप जब भी बात करते थे वक्फ बोर्ड को लेकर तो हम ये कहते थे इसको एबॉलिश किया जाना चाहिए, लेकिन चलिए मानकर चलते हैं कि 40 अमेंडमेंट्स जो है वो भी ऐसी कुठाराघात होगा कि ये अपने आप थोड़ा सा एक छोटा सा संगठन बनकर रह जाएगा वक्फ बोर्ड, बाकी जो सारे इसके अधिकार है वो छीन लिए जाएंगे जिनका ये दुरुपयोग करते रहे हैं। आपने समय निकाला इस विषय पर चर्चा करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नाज़िया जी। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाज़िया खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ वक्फ बोर्ड की सच्चाई आपके सामने रखी, पूरी तरह से जो उनकी प्लानिंग है उसको एक्सपोज किया, बल्कि राहुल गांधी से लेके मदनी और ओवैसी को भी लपेटे में लिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। और एक बात जो नाज़िया खान जी ने कही वो बहुत सही थी कि भारत को भी इसराइल की तरह इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।